हेलो व्यूअर्स, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं गौरव वर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा में। आज का अपना टॉपिक जो है सो प्रीवियस जो मैंने आपको बताया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के ऊपर में, उसी का ये नेक्स्ट टॉपिक है। प्रीवियस मैंने वृद्धि क्या है, विकास क्या है, मानव विकास की अवस्थाएं क्या है, उस पर बात किया था। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो तो सीटेट और टीईटी या किसी भी स्टेट के टीईटी के लिए तो यूजफुल है ही, उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान बीएड डीएड या कोई भी टीचर ट्रेनिंग कर रहा है तो वहाँ भी इस पे इसके स्वरूप पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी होता है, तो आपको वहाँ भी ये टॉपिक यूजफुल हो सकता है। तो अपने इस पॉइंट पहले से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी लोग मुझे आज पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और उन्हें लगता है कि मैं सच में कुछ उनके लिए यूजफुल दे रहा हूँ तो फिर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सारी रेगुलर अपडेट उनको मिलती रहे। और एक बात कि अगर आप लोग को ऐसा कुछ लगता है, आप लोग के बेसिक आइडियाज जो है, आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ सब जगह से पढ़ रहे हैं सभी लोग, तो अगर आप लोग भी कुछ इसमें अपना सुझाव देना चाहते हैं, अपना एडवाइस देना चाहते हैं तो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे, या कोई भी आपके मन का कोई नया आइडिया हो तो उसे आप बता सकते हैं, फिर हम लोग उस पर भी वर्क करेंगे। क्योंकि ये चैनल आपका है तो आप जितना खुल के हमारे साथ चलिएगा तो आपका चैनल खुद ग्रो करेगा। तो ये चैनल सिर्फ हमारा नहीं, आप सबों का है, इसलिए जो भी आप लोगों लगे तो आप बता सकते हैं मुझे। तो अपना आज का जो टॉपिक है वो है बाल विकास के सिद्धांत। देखिए, बाल विकास का सिद्धांत के ऊपर काफी क्वेश्चन बनता है, तो इसके अंदर जो जो पॉइंट है उस पर हम लोग गौर से समझते हैं। और मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि बस समझिए, इंजॉय के साथ पढ़िए, किसी भी चीज को बोझ मत बनने दीजिए, बस मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए और आपका पढ़ाई साथ साथ होते रहेगा। तो पहला क्या पॉइंट है, परस्पर संबद्धता का सिद्धांत। इसके अंदर में क्या होता है कि अगर किसी बालक या बालिकाओं का जो विकास हो रहा है तो इसमें जो संबंध होता है, मतलब परस्पर संबद्धता, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी, तो विकास तो बहुत तरह से होता है, विकास या वृद्धि। तो अगर किसी भी बालक का शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए उसका अगर व्यवहारिक विकास ही हो रहा है तो वो जो व्यवहारिक विकास है उसके बाद बाकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी विकास को वो प्रभावित करता है, तो वही होता है परस्पर संबद्धता का सिद्धांत। दूसरा अपना जो है सो है पूर्वानुमान का सिद्धांत। इसके अनुसार कि अगर हम किसी बालक बालिकाओं को बचपन से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी वृद्धि एवं उसके विकास, उसके दिमाग की शक्ति को, उसके चाल चलन को, उसके व्यवहार को, उसके हर एक बात को अगर हम लोग गौर से देखें, समझें, तो हम लोग पूर्वानुमान ये कर लेते हैं कि नहीं, इस बच्चा में जरूर कुछ दम है, ये आगे चल कर कुछ अच्छा करेगा, तो वही होता है पूर्वानुमान का सिद्धांत। मेरे हर एक बात को आप लोग बस गौर से सुनिए, काफी मतलब जो लोकल होता है उस तरह का पूरा मैं लैंग्वेज भी यूज करता हूँ, और बस सुनिएगा ध्यान से तो आप ऑटोमेटिक, आपको फिर कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस समझिए। तीसरा है अपना विकास का सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत। विकास का सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत, ये सिद्धांत में जो होता है कि बालक का विकास धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। तो एक बात आप लोग ऑब्जर्व किए होइएगा, कोई अगर शिशु होता है तो बचपन में जब रोता है तो उसके हाथ पैर चिल्लाना सब कुछ एक साथ वर्क करने लगता है, और जैसे जैसे उसमें विकास होती है, जैसे जैसे उसके अंदर में बुद्धि आती है तो धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी अंतर आने लगता है। फिर जैसे वो बड़ा हो जाता है, किशोरावस्था में आता है, तो क्या हो जाता है कि जब वो रोएगा तो उसके आंसू निकलेंगे, फिर वो खुद से पूछने लगेगा, तो उसका जो विकास है वो सामान्य से वृद्धि की ओर, मतलब विशेष की ओर बढ़ने लगता है। उसे ज्ञान होता है कि जब हम रो रहे हैं तो उस रोने के स्टाइल में भी काफी ज्यादा चेंजिंग आता है। जो बचपन में जो बच्चा रोता है वो सब कुछ एकदम चिल्लाकर, हाथ पैर सब पूरा एकदम हिलाकर रोनेगा, तो धीरे धीरे उसमें जब बुद्धि आएगी तो वो बस सिसक सिसक कर रोएगा, आवाज कम निकलेगी। तो वही है अपना विकास का सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत। चौथा है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि अगर कोई बालक, ठीक है, उसके दिशा को, मतलब कि बचपन में जैसे ही वो कुछ बोलता है और जो पहला शब्द बोलता है माँ बोलता है, उसके बाद उसमें वृद्धि होती है, बुद्धि आती है,
और वो हर कुछ समझने लगता है, फिर धीरे धीरे वो भाषा भी समझने लगता है। जिस तरह से मान लीजिए कोई बचपन में कोई बच्चा जो होता है, अगर उसको पूरा हाथ हिलाना हो तो पहले वो पूरा हाथ ऐसे ऐसे हिलाएगा, उसके बाद में क्या होगा कि जैसे जैसे उसको बुद्धि आएगी तो वो हाथ पे कंट्रोल करेगा, उसके बाद पूरे ये पाल्म हथेली पे कंट्रोल करेगा, फिर एक उंगली हिलाने लगेगा, उसके अंदर में पूरा विकास होने लगता है। तो वही है उसका दिशा का सिद्धांत। उसके बाद है व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी बालक या बालिका हर तबके का होता है। आप ही लोग भी देखे हुए हैं, कोई बालक पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, कोई सामान्य होता है, कोई काफ़ी ज़्यादा मंद बुद्धि का होता है। तो उसका व्यक्तित्व मतलब जैसा उसको वंशानुक्रम, जैसा उसका वंश चलता हुआ आ रहा है, जिस तरह से उसको वातावरण मिलेगा उस तरह का उसका विकास होता है। तो हर का अपना अपना एक पार्टिकुलर सोचने का, काम करने का क्षमता होता है। कोई बहुत ज़्यादा तेज होता है, कोई सामान्य होता है, कोई बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि का होता है। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत कहने का मतलब हो गया कि इसमें हर एक कार्य जो स्टेप बाय स्टेप होते रहता है, तो एकीकरण के सिद्धांत के ही अंदर में विकास और वृद्धि दोनों काम करता है। मतलब कि हर कुछ को एक साथ डेवलप करना, जैसा उसको वातावरण मिल रहा है, जिस तरह से उसका पूरा वंश चलते आ रहा है, तो वहाँ से कुछ न कुछ उसके ऊपर में इफेक्ट होता है। तो वही है एकीकरण का सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत। वृद्धि एवं विकास जो है सो परस्पर एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विकास जो है सो तो सारा जीवन चलते रहता है, मगर वृद्धि जो है वो एक स्तर पे आकर रुक जाता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया है कि वृद्धि जो है सो धीरे धीरे एक जगह पे जाकर रुक जाती है, मगर विकास जो है हम लोग हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, और सीखने का कोई भी उम्र नहीं होता है। आप जब चाहिए, जिस समय चाहिए, उस समय आप कुछ ना कुछ सीखने चाहते हैं तो आप सीख लेते हैं, मगर वृद्धि जो एक जगह जो माइंड का जो लेवल होता है ना वो एक जगह जाकर रुक जाता है। उसके बाद है अपना वृद्धि एवं विकास की गति की दर में असमरूपता का सिद्धांत। इसका कहने का मतलब हो गया कि वृद्धि और विकास में क्या क्या असमरूपता है। मतलब कि विकास जो होता है शैशवावस्था में काफ़ी ज़्यादा तीव्र होता है, उस समय उसकी गति बहुत ज़्यादा तेज होती है, और फिर धीरे धीरे वो हल्का स्लो होता है, फिर जैसे वो किशोरावस्था में इन करता है तो उसकी गति फिर तेज हो जाती है। तो विकास और जो वृद्धि है ये हमेशा एक दूसरे से ऊपर नीचे, मतलब कि उछाल फिर कम फिर बढ़ाव चढ़ाव लगा रहता है। तो दोनों में असमरूपता मतलब कि बराबर कुछ ना कुछ डिफरेंस होती रहती है, एक साथ एक रेशियो में नहीं चलता है। तो वही है अपना वृद्धि एवं विकास की गति में असमरूपता का सिद्धांत। तो ये अपने 8 सिद्धांत हैं, इसको आप बस गौर से समझ लीजिए, सुन लीजिए, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं। और ये आपका सीटेट टीईटी हर जगह जहाँ भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या किसी भी नए कोई भी कोर्स कर रहे हैं टीचर ट्रेनिंग का, हर जगह इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो बस आप टॉपिक याद रखिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए, आप कहीं भी इसको आप डील कर सकते हैं। इसके बाद जो अपना लेक्चर होगा सो होगा वंशानुक्रम का प्रभाव, इसके ऊपर में हम लोग बनाएंगे इसके बाद वाला लेक्चर, और उसमें मैं आपको बताऊँगा बस वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, किस तरह से होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग को इसमें कोई भी कमी लगा हो या आप लोग अपना आइडियाज़ देना चाहते हैं तो बहुत बहुत आपका वेलकम है आपके ही इस चैनल पे। तो आप लोग खुल कर आइए सामने, जो भी आप लोग बताना चाहते हैं हमें कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।